नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुरी में, और सुल्तानपुरी में रविवार का दिन है और रविवार के दिन क्रिकेट आमतौर पर लोग खेलते ही हैं और सभी अपने घरों से निकलकर क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं। आईपीएल शुरू होने वाला है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिकेट लीग जो है आईपीएल मानी जाती है। आईपीएल को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता जो है क्रिकेटर्स में रहती है, देखना चाहते हैं उसे और देखने के साथ साथ बड़ा इंटरेस्ट लेके उसे देखते हैं, उनकी बारीकियों को समझते हैं। आज का सवाल हमारे पास ये है कि आखिर धवन, अय्यर और रबाड़ा को दिल्ली ने ना लेकर एक बड़ी भूल तो नहीं कर दी? क्या इसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना तो नहीं पड़ेगा? ऐसे में क्रिकेटर जो है यहाँ पर खेल ही रहे हैं और इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या ये क्या सोचते हैं, क्योंकि बारीकी जो है एक क्रिकेटर जो खेलता है वो बड़े अपने अलग तरीके से देखता है, बड़ी टेक्निक्स होती है और बड़ी बारीकी से समझता है उस चीज़ को। तो आप क्या सोचते हैं कि धवन, अय्यर और रबाड़ा को दिल्ली ने ना लेकर क्या बड़ी भूल तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, बहुत बड़ी भूल करी इन्होंने कि हमारे पास जो हमारे पास एक बैटिंग ऑप्शन था वो बहुत अच्छा ऑप्शन था हमारे पास, और उन्होंने बैटिंग ऑप्शन का बॉलर भी हमारे पास थे। रबाड़ा कोई अच्छा वो नहीं है कि मतलब अच्छा बॉलर है, उसके देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं, लेकिन दिल्ली ने क्यों उसको भुगतान किया? अभी सब खामियाजा तो दिल्ली को भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है जिसमें जो ये तीनों खिलाड़ी हैं, तीनों खिलाड़ी में कौन सा बेस्ट लगता है? तीनों खिलाड़ी में मुझे तो शिखर धवन बेस्ट लगता है। अच्छा, उसके बाद रबाड़ा है। तो क्या लगता है आईपीएल के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा जो है दिल्ली को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्या क्या खासियत है? अलग अलग स्पेसिफिकेशन होंगे इनके, कुछ कोई बॉलिंग अच्छी डालता होगा, क्या मेन बॉलर? रबाड़ा को हम एक बॉलर की तरफ से यूज करेंगे बॉलर, और हमारे पास से जो ओपनर बैट्समैन है वो शिखर धवन बहुत बेस्ट। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें आईपीएल के अंदर तो क्या लगता है इस बार परफॉर्मेंस किसकी बेहतर रहने वाली? परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई अब चेन्नई तो है ही, यहाँ पर चेन्नई तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग टीम मान के चलती है, लेकिन इन्हें भी कुछ विकल्प ऐसा ढूंढने चाहिए कि भाई हम सामने वाले को कुछ, अगर सामने वाले की टीम को कमज़ोर करना तो कुछ प्लेयर हमें चेंजिंग तो ज़रूरी है, लेकिन दिल्ली में जो ये चेंजिंग की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर वालों को थोड़ा देखना था, देखना चाहिए। हाँ, देखना था। अच्छा, अगर आप मान लीजिए आप कैप्टन होते दिल्ली के, तो क्या लगता किसको कैच करते? नहीं, मैं कैप्टन होता तो मैं सीधा ही सबसे पहले सपोर्ट करता, मैं शिखर धवन को सपोर्ट करता। शिखर धवन को तो देख सकते। और भी जो क्रिकेटर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई, आप आईपीएल देखते हो? सर, मैं आईपीएल नहीं देखता। आईपीएल नहीं देखते? कुछ भी नहीं पता। अच्छा, और भी पूछ लेते हैं, ब्रेक वो कर लो यार, पोज कर दो उस भाई से। क्या लगता है भैया, ये जो तीन खिलाड़ी थे, इन खिलाड़ियों को ना लेके दिल्ली ने एक बड़ी भूल तो नहीं कर दी? बहुत बड़ी भूल है रबाड़ा को अगर छोड़ दिया तो, क्योंकि रबाड़ा जैसा बॉलर जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रहा है, अगर वो नहीं खेलेगा तो बॉलिंग तो मतलब वीक हो जाएगी बिल्कुल ही। अच्छा। और अय्यर मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा संभालता था और कैप्टन से भी अच्छी करता था, तो उसका भी शायद नुकसान होगा, पर लेकिन उसका कोई अच्छा बैट्समैन मिल जाए तो उनको, वो देखते हैं क्या होगा आगे। और कौन हटाया? धवन। धवन के हटाने से कुछ नहीं होगा, धवन तो अब उसकी उम्र भी हो गई है, अब आईपीएल में तो नए लड़कों को मौका मिलता ही है, बाकी देखो अब आगे जाके क्या होगा, जब देखेंगे मैच पता चलेगा नई टीम क्या होगा। अच्छा, रबाड़ा बता रहे, रबाड़ा क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या लगता है वो अब जिस टीम में जाएगा कहीं ना कहीं बॉलिंग का जो स्ट्रेंथ है उसका, हाँ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा? बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो डेथ में भी करा सकता है, ऊपर भी करा सकता है बॉल, और मिडल ऑर्डर में भी करा सकता है, तो उस जैसा बॉलर इस टाइम तो बहुत ही कम है, ऐसे चार पांच बॉलर है जैसे ट्रेंट बोल्ट हो गया, अपना बुमराह हो गया, तो ऐसे बॉलरों में चार पांच बॉलरों में रबाड़ा का नाम है। अच्छा, पिछले आईपीएल मैचों की, आईपीएल मैचों की जो परफॉर्मेंस देखे है रबाड़ा की, तो उसके आधार पर क्या लगता है? उसके हिसाब से ही देखा जाए तो मतलब वो बहुत जरूरी था दिल्ली की टीम के लिए, दिल्ली की टीम के लिए। हाँ, क्योंकि जब से वो आया दिल्ली की टीम अब सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँच रही है, उससे पहले नहीं पहुँच रही थी, अब रेगुलर पहुँच रही है तीन चार साल से। अच्छा, अब देखो अब उसके नहीं जाने से मेरे हिसाब से तो अब मुश्किल है पहुंचना आगे तक। अच्छा, लीग मैच में रह जाएगी। अच्छा, क्या लगता है रबाड़ा जो आप बता रहे हैं कि रबाड़ा की जगह सब्स्टिट्यूट कोई और हो सकता था इन दोनों में से? रबाड़ा की जगह या तो हर्षल पटेल जैसा कोई बॉलर मिल जाए, या क्या नाम है अपना मिचेल स्टार्क जैसा कोई बॉलर, अब लेकिन वही है दूसरी टीमें भी उनके पीछे लगी रहती हैं, अब देखो अब इनकी टीम का क्या सिलेक्शन होता है आगे। दिल्ली, अब क्या लगता है आपको दिल्ली को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अगर मान लो तीन तीन खिलाड़ी छोड़ दिए इन्होंने, आगे कितना
आगे का तो टफ रहेगा दिल्ली के लिए अब, क्योंकि और भी टीमें अच्छी हो जाएंगी। अब जब रबाडा जिस टीम में जाएगा उनकी बॉलिंग अच्छी हो जाएगी, हमारी वीक हो जाएगी दिल्ली वालों की। अच्छा, दो नई टीमें भी आ रही है, लखनऊ और अहमदाबाद, उसका क्या लग रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहा है? लखनऊ की टीम ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें क्या नाम है, केएल राहुल को कह रहे हैं कि कप्तानी मिलेगी और उसमें हार्दिक पांड्या भी आएगा, तो वो टीम मुझे लग रहा है कि अच्छा कर सकती है आगे जाके। ओके, थैंक यू भैया। क्या लगता है कि ये तीन जो खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम ने एक बड़ी भूल तो नहीं कर दी इन तीनों को छोड़ के? इस चीज़ की बहुत बड़ी भूल है दिल्ली के लिए, क्योंकि शेखर धवन इनफॉर्म बैट्समैन है और श्रेयस अय्यर भी, और रबाडा जो है वो तो बेस्ट बॉलर है ही, तो ये दिल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है। और अब की बार शायद हो सकता है दिल्ली क्वालिफाई भी ना कर पाए इस चीज़ के लिए। और बाकी आईपीएल के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम और हमारे सब दोस्त देखते हैं आईपीएल में इस चीज़ का। मैं क्या, जितने भी बंदे होंगे सभी इस बारे में, जितने भी उनके व्यू होंगे सब बताएंगे कि ये बहुत बड़ी दिल्ली की गलती है और हमेशा ही गलती रहेगी इस बात के लिए, और शायद आगे आईपीएल के बाद फाइनल के बाद दिल्ली को पछताना ही पड़े। अच्छा, रबाडा को किस तरीके से देखते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता था रबाडा दिल्ली के लिए? रबाडा के लिए जिनके चार ओवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होते हैं दिल्ली के लिए, और सबसे उनके लिए माइनस पॉइंट एक उन्होंने दिल्ली के लिए, दिल्ली में रबाडा को नहीं लिया। अच्छा, धवन को, अगर धवन की बात की जाए तो धवन की अगर परफॉर्मेंस देखे तो उसके आधार पे क्या लगता है आपको? धवन तो अब मैं इनके पास देखो, धवन के लिए मेरे पास कोई कमेंट ही नहीं, क्योंकि धवन इनफॉर्म बैट्समैन है, और धवन तो मैं क्या, जितने भी हमारे ये फैन होंगे क्रिकेट के वो सभी जानते हैं कि धवन एक इनफॉर्म बैट्समैन रहे या रहेंगे, और अगर वो 10 मैच के अंदर भी नहीं चलते उसका 11 मैच, उनको सबको पता है कि वो 11 मैच में रन जरूर मारेंगे। अच्छा, अय्यर की बात करें तो, अय्यर पीछे परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या लगता है आईपीएल के अंदर कितना बेहतर कर सकते हैं अय्यर? तो खैर देखिए, हम जैसे जो युवा लड़के मानते हैं कि वो कैप्टन के लिए भी चुने जा सकते हैं, क्योंकि वो एक इनफॉर्म बैट्समैन रहता है, हमेशा उनकी फॉर्म जबरदस्त रहती है और यंगस्टर है, उनकी तो कोई बात ही नहीं सकती, बहुत अच्छे प्लेयर है वे। अच्छा, अगर मान लो आपको दिल्ली के अंदर खेलने का मौका मिले तो इन तीनों को किसको सजेस्ट करोगे सबसे? एक प्लेयर को? हाँ जी, फिलहाल तो मैं अय्यर को करूँगा, क्योंकि यंगस्टर है, उनको आईपीएल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा, हाँ, एक्सपीरियंस धवन को भी है, लेकिन धवन ऐसा है कि वो भी चाहेंगे कि अय्यर ज़्यादा पहले आए, क्योंकि युवा है, आईपीएल का ज़्यादा उनको क्रेज होता है। आपका कहने का मतलब फिटनेस फर्स्ट। तो फिटनेस को देखा जाए तो अय्यर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर रही है आईपीएल में, और वैसे भी ये कहना चाह रहे हैं? सॉरी, आईपीएल के अंदर अय्यर की परफॉर्मेंस भी बेस्ट रही है और कप्तानी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया है उन्होंने। ये अय्यर ऐसा है, लास्ट जो 2 IPL हुए उसके अंदर अय्यर जो परफॉर्मेंस दिया है ना अय्यर ने, वो सबको ही पता है कि वो क्वालिफाई भी किया है और फाइनल तक भी लेके आए दिल्ली को। अच्छा, इस बार ये आईपीएल में क्या लगा रहे हैं, दो नई टीमें आ रही है, दो नई टीमों को किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे अभी मैंने आईपीएल लखनऊ और है अहमदाबाद, अहमदाबाद शायद अहमदाबाद बेस्ट करेगा लखनऊ में से। इस बार आईपीएल का खिताब क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? दिल्ली को सपोर्ट करेंगे, दिल्ली से है तो दिल्ली को सपोर्ट करेंगे, बाकी फैन मैं धोनी का हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, तो आपने सुना कि किस तरीके से लोग रबाडा, धवन और अय्यर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि दिल्ली ने इन तीनों खिलाड़ियों को नहीं लिया है। और क्वेश्चन हमारा यही था कि आखिर इन तीनों खिलाड़ियों को ना लेकर दिल्ली की टीम ने एक बड़ी भूल तो नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दीपक, स्पोर्ट्स टॉक।